गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट, द साइन ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट दे ऑलवेज सी ब्यूटीफुल इन अदर्स। अर्थात एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वह हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, जो अच्छा इंसान होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसकी भावना अच्छी होती है, वह अपने लिए और दूसरों के लिए सब समय अच्छा ही सोचता है। उसके मन में बुरी भावना ना खुद के लिए आती है और ना दूसरों के लिए आती है। वह कभी किसी का अहित नहीं सोचता, हर समय दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है और दूसरों के हित के लिए ही सोचता है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 8 का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। चैप्टर का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। यहाँ दो बच्चे बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं कि जो पुराने ज़माने के दिन थे, पहले के दिन थे, वह दिन आज के दिन से ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि उस समय बहुत चीज़ों को करने की आज़ादी मिलती थी और दूसरी बात है अध्ययन करने का तरीका भी बहुत अलग था। पहले ज़माने में क्या था कि दादाजी ने एक पुस्तक लिखी थी, दादाजी ने बताया था कि पहले ज़माने में ये दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं। एक बच्चे का नाम है कुम्मी और उसके भाई का नाम है रोहित। ये दोनों के हाथ में बहुत पुराने ज़माने की एक पुस्तक लगी और वह दादा जी ने बताया कि पहले ज़माने में जो पढ़ाई होती थी, जिस तरीके से अध्ययन किया जाता था, सब कागज़ों पे लिखा होता था और वो बहुत समय तक चलता था। लेकिन आजकल मशीनी तरीके से पढ़ाई की जाती है, जिस तरीके से अभी इस समय हम लोग ऑनलाइन के थ्रू आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों को इसमें मज़ा आ रहा है, कुछ बच्चों को इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि रोज़ ड्रेस पहनकर स्कूल जाना और अपने एक लंबे समय तक अपने स्कूल में रहना और सब्जेक्ट वाइज सारे क्लासेस होना, टीचरों से मिलना, बच्चों से मिलना, स्कूल में इंटरवल होना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन बहुत बच्चों को आज के ज़माने में कंप्यूटर में पढ़ाई करना या मोबाइल में पढ़ाई करना समझ में नहीं आता है। उन्हें वो उस पहले ज़माने में जो स्कूल में जाने वाली पढ़ाई होती थी वही समझ में आती है। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना कुर्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुर्मी के दादा ने बताया था जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने की सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, या हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर थे। जो किताबों में अक्षर छपे होते हैं वह शब्द क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, चलते नहीं हैं, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी एक पुस्तक नई की नई रहती है। तो रोहित ने कहा कि पहले ज़माने की जो पुस्तक रहती थी वह एक बार पढ़ो और वह बेकार हो जाती है, लेकिन हमारे पर्दे पर हम जैसे ही बटन दबाते हैं और न जाने कितनी पुस्तकें, नई नई पुस्तकें हमारे इसमें दिखाई पड़ती है। हमें जो मन चाहता है हम वही पुस्तक को पढ़ते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाया और फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली।
रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहा था, उसमें यह पुस्तक मिली। जो पुस्तक दादाजी ने लिखा था, दादाजी ने छुपाया हुआ रखा हुआ था, वह आज कुर्मी के रोहित के हाथ लगी थी। उसने क्या लिखा? स्कूल के बारे में लिखा। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया था। कुर्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? स्कूल के ये बच्चे जो हैं, ये बहुत आगे ज़माने के बच्चे हैं, जो हम लोग अभी स्कूल रोज़ जाते हैं, और ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, पर्दे पर ही पढ़ते, और उन्हें ये नहीं पता कि स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। तो उसी अज्ञानतावश कुर्मी ने पूछा कि स्कूल के विषय में क्या लिखने को होता ही है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन लगी होती है, जिससे टेलीविज़न की तरह का पर्दा लगा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें सब कुछ याद करना होता है, और वह मशीन हमें बताती है कि सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलती भी बताकर फिर हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे पढ़ना आरम्भ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो कुर्मी ने कहा कि स्कूल के बारे में लिखना ही क्या होता है, हम लोग तो एक कमरे में बैठते हैं और एक पर्दे के सामने बैठते हैं, एक सब्जेक्ट पूरा होता है, दूसरे सब्जेक्ट का उसमें जो गलतियां होती हैं वह हमें मशीन बताती है, उसको हम सुधारते हैं, पर दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे विषय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो यह सारा स्कूल का काम इस तरह से ख़त्म हो जाता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो इस पुस्तक में लिखा है। कुर्मी की बात सुनकर रोहित बहुत मुस्कुराता है और कहता है कि स्कूल इस तरह के नहीं होते, स्कूल इस तरह के होते हैं जो इस पुस्तक में, जिस स्कूल का वर्णन किया गया है। कुर्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। फिर उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, तो उसने सोचा कि जब मशीन स्कूल में जिस तरह से हमें मशीन पढ़ाती है, वैसे उसी तरह स्कूल में भी अध्यापक की जगह उस मशीनें ही पढ़ाती हैं। कुम्मी को याद आया, एक बार उसे भूगोल के रोज वही गलतियां होने लगी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया, उसने मशीन के पुर्जे अलग अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया कि उस आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, वह हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना ठीक कठिन हो गया था। मैंने उसकी गति को कुछ धीमा कर दिया है, सो आशा है कि अब ठीक है। इसी तरह कुम्मी को याद आया कि एक बार उसके जब मशीन जिससे वो पढ़ती थी वह कुछ ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वह उसको समझ नहीं पा रही थी, और उसकी माँ ने उसे मशीन को ठीक करने के लिए एक आदमी को बुलाया, उसने उस मशीन को ठीक कर दिया। कुम्मी सोच रही थी कि वह मशीन ठीक ना हो और मुझे आगे ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो मैकेनिक उसके घर पर आए थे, उन्होंने उस मशीन को ठीक कर दिया और कुम्मी को वापस उस मशीन से पढ़ने को कहा गया, और कुम्मी को उसी समय भूगोल का वह सबक सीखना बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह मशीन अध्यापक को कोसती रही। जब हम लोग को किसी कार्य को करने का मन नहीं करता है, और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं उस कार्य को करना है, सपोज़ हमारा होमवर्क करने का मन नहीं है, कुछ लर्न करने का मन नहीं है, और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपको ये काम होमवर्क करना है, स्कूल से मिला है तो करना है, लेकिन जब हम उसको करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मन ही मन बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा खेलने का मन कर रहा है और हमें मन उदास होकर पढ़ना पड़ रहा है। उसी तरह कुम्मी को भी यह बहुत बुरा लगा।
तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकती है? क्यों नहीं, हम वह बच्चों को सारे विषय सिखाती है, गृह कार्य देती है, प्रश्न पूछती है। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में आते हैं जिसे स्कूल कहते हैं। तो जब रोहित ने देखा कि कुम्मी का मन भूगोल पढ़ने में नहीं लग रहा है, तब रोहित ने कुम्मी को इधर उधर की बातें कर और कुछ जानकारी दे करके उसके मन को बहलाना उचित समझा। तब उन्होंने कहा कि हम लोग जो इतने सारे विषयों को मशीन से पढ़ते हैं, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ये सब जो पढ़ाने वाले जो विषय थे इसको स्त्री या पुरुष यानी अध्यापक और अध्यापिका पढ़ाते थे। कुम्मी ने कहा कि हमारे इतने सारे विषयों को कोई स्त्री और पुरुष कैसे पढ़ा सकती है? तो रोहित ने कहा कि नहीं, तो स्त्री और पुरुष ही पढ़ाते थे, वही हमें गृह कार्य देते थे और दूसरे दिन उसको चेक भी करते थे, और इन सबको पढ़ाने के लिए वह अध्यापक किसी बच्चे के घर नहीं जाते थे। वह सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे और वह एक भवन रूपी जगह था और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। कुम्मी का अगला प्रश्न, तो अब सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते होंगे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में से अंदर माँ की आवाज़ आई। कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबसे पहले आज हम गणित सीखेंगे, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्री होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश होते होंगे सारे बच्चे। तब इतनी जानकारी लेने के बाद जब कुम्मी अंदर से भाई समीर ने कहा और रोहित ने कहा कि चलो अब हम लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं, तब अंदर से आवाज़ आती है कि मशीन चालू हो गया है, आप लोग अपना होमवर्क करने बैठ जाइए। लेकिन कुम्मी का मन तो उसी पुस्तक पे लगा था और उस पुस्तक पे लिखी हुई अच्छी अच्छी जानकारी, जैसे कैसे उस समय स्कूल बच्चे जाते होंगे, कैसे वो लोग एक साथ बैठकर पढ़ते होंगे, उनको पढ़ाने वाली हमारी इस तरह की मशीनें नहीं होंगी, अध्यापक की जगह अध्यापिका की जगह स्त्री और पुरुष लोगों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर अक्षरे नाश्ती नहीं है, स्थिर अक्षरे होते हैं, इस तरह के प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। वह मशीन पर बैठकर पढ़ने के लिए तो बैठ गई थी, लेकिन उसका मन उसी पुस्तक में लगा हुआ था कि जल्दी से यह मैं मशीन का वर्क पूरा कर लूं और उस पुस्तक में जो उस ज़माने में जितनी बातें लिखी हुई हैं उस चीज़ की जानकारी लूं। इतनी जानकारी लेने के लिए कुर्मी के मन में अधिक से अधिक नए नए प्रश्न का जन्म हो रहा था। इस तरह से जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करनी होती है तो हमें अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो हमें उस चीज़ में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कितनी कौतूहलता होती है ना।
जब हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी माँ अगर हमें किसी पुराने ज़माने की बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है या हमारे बचपन की कुछ कहानी बताती है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें उस समय की पूरी जानकारी दीजिए कि उस समय क्या क्या होता था, घर में कैसे लोग थे, कैसे कैसे घर चलता था, घर पे कितने लोग थे, दादी क्या करती थी, बाबा क्या करते थे, चाचा पापा क्या करते थे। उस तरह हम लोग जिस तरह हम लोग अपने घर के लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, उसी तरह आज कुम्मी के हाथ में यह पुस्तक लगी है और वह यह सोचती है कितनी जल्दी मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लूं और इस पुस्तक में लिखी हुई सारी बातों की जानकारी मुझे मिल जाए। इस चैप्टर को एक बच्चों एक बार आप लोग फिर रीडिंग कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोग के लिए, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से आप लोग के मन में नए नए प्रश्न उठते हैं, वैसे ही इस बच्चे के मन में भी नए नए प्रश्न उठे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से, इस भावना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत यानी खुद के लिए, और सार्वजनिक यानी सब कोई बाहर जो सब लोग कर सकते हैं। सार्वजनिक इसका मतलब होता है, ठीक है, मनोरंजन। व्यक्तिगत होता है बच्चों खुद के लिए, मनोरंजन। व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए हम लोग करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल, हिसाब किताब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, या हम खुद के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों में कहाँ होता है, रेल बस की टिकटों की बिक्री के लिए, सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, विभिन्न उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए, और नौकरी के संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जानकारी लेने व देने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जब हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्ति या करने के अभिव्यक्त करने के लिए बताने के लिए कई तरीके के ढंग होते हैं, वे इस प्रकार हैं। जानकारी के लिए संदेश, चित्र, फैक्स, विज्ञापन, नोटिस, टीवी, इश्तहार, ठीक है, और भावनाएं, फ़ोन, अभिनय, मोबाइल तार, मोबाइल संदेश, संकेत भाषा और नृत्य की, ठीक है, नृत्य की जो भावनाएं होती हैं वह भी हमें प्रस्तुत करती हैं। तो इसके बाद बच्चों ये दोनों एक्सरसाइज आप बुक में ही कर लीजिएगा। इसके बाद कॉपी में क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वर्ड मीनिंग है, ठीक है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह कब छपी होगी। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने की छपी थी। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, लकड़ी, धातु के बने पात्रों पर होती थी। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसे होंगी, जैसे पेन लेज़र किरणों वाले होंगे, घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी, सुइयां भी नहीं होंगी, यानी कि घड़ी को कंप्यूटर के माध्यम से वो चलेंगी और उसमें सुइयां, जिसे हम लोग आजकल की घड़ियों में सुइयां होती हैं मिनट की सेकंड की, वो सुइयां भी नहीं होंगी। टेलीफोन मोबाइल आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा, टेलीविज़न पतले आकार के होंगे,
टेलीविज़न अब भी पतले आकार के हो गए हैं और मोबाइल फ़ोन छोटे से छोटे आकार का भी हो गया है। और पेन में भी देखिए आप लोग लेज़र लाइट फिट हो गई है, यानी कि यह कहानी जो है वो आज के ही ज़माने की कही गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज रोहित को एक डैश मिली, क्या मिली? पुस्तक मिली। अंदर से माँ की डैश आई, यानी आवाज़ आई। अंदर मशीन आगे का सबक देने के लिए तैयार थी। मैं सबक में अंडरलाइन होगा, ओके। मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया। स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। शब्दार्थ पृष्ठ, नहीं इसका अर्थ है पन्ना। पश्चात यानी बाद, सदियों पहले वर्षों पहले। रफ्तार चाल, सबक पाठ आरंभ शुरू। ठीक है बच्चों, इसी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेकर इसी में से क्वेश्चन देख करके आप लोग राइट कीजिएगा और पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद तभी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, और सिर्फ राइट मत कीजिएगा, उसको लर्न भी कीजिएगा क्योंकि पेपर शुरू होने वाले हैं। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।